कैसे हो सब लोग। आई कुछ नया करे में आप सब लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, गैस पर नहीं चढ़ाकर यानी कि ओवन पर ना चढ़ाकर ही हम आपको बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी करके दिखाएंगे। इसको खाने से फ्रेंड्स आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हफ्ते में एक बार ये रेसिपी ज़रूर खाइएगा। फ्रेंड्स ये आप देख ही रहे हो, मैंने यहाँ पर खट्टा वाला दही लिया है, लेकिन ये जो दही है मैंने घर पर ही बिठाया ये दही। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इससे हम रायता बनाएंगे। लेकिन घर पर जो जो उपकरण है उससे ही हम मिलाकर ये रायता तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को ज़रूर दबाओ। और हमारा वीडियो का प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे लिए एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर खट्टा वाला दही लिया है और ये है मेरा मिक्सी का कप। लेकिन ये रायता बनाना से पहले हमको इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना चाहिए और इसमें बहुत कुछ देने में अभी बाकी है। फ्रेंड्स देखिए, ये खाने से क्या होता है, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका पेट भरेगा और आपका जो मुंह में स्वाद है वो भी चेंज हो जाएगा और पेट भी ठंडा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, मैं इसको ब्लेंड करके फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर ही लिया है, लेकिन और एक बार ब्लेंड करना चाहिए। ये नहीं, ये फिर हम दही लेंगे, ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इसके साथ और भी एक चीज़ हम ब्लेंड करेंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरा सा खट्टा वाला दही है, आप चाहिए तो आप स्वादिष्ट मीठा वाला दही भी ले सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे चीनी। तो अगर आपका डायबिटिश हो तो आप इसमें मत चीनी डालिएगा, चीनी नहीं डालने से सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर इसको हम एक साथ ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है, हो गया तैयार दही। फिर इसके बाद हमको क्या देना है आप प्लीज़ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर जो खीरा है इसको टुकड़े करके काट लिया है वो दिया है। इस पर डाल रहे हैं धनिया पत्ता, इसको खीरा का रायता कहते हैं। रायता बहुत ही अच्छा होता है, ये पुलाव के साथ पराठा के साथ खाते हैं और खाली मुंह में भी खाते हैं, ये बहुत ही हेल्थ के लिए उपकार होता है। तो फ्रेंड्स देखिए और क्या क्या हम इसमें देंगे। बहुत ही अच्छे सेंट और बहुत ही अच्छे स्वाद के लिए हम डाल देंगे चाट मसाला। तो ये है चाट मसाला, चाट मसाला से स्वाद बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें डाल देंगे काली मिर्च, काली मिर्च का जो डस्ट है वो डाल देंगे, वो डालने से भी बहुत ही अच्छा स्वाद आते हैं, टेस्ट भी आते हैं। इसमें हम डाल देंगे पीट नमक, ये भी टेस्ट आने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इसको हम कहते हैं खीरा का रायता। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप अच्छा टेस्ट स्वाद अच्छा ले आने के लिए आप हरा मिर्च कुछ काट कर टुकड़े करके दे सकता है, लेकिन आपके घर पर अगर बच्चा को खिलाना है तो इसलिए हम यहाँ पर हरा मिर्च का टुकड़ा नहीं देंगे। लेकिन आपका घर में अगर बच्चा है, बच्चा को खिलाना है तो इसमें मिर्च नहीं डालना है। अच्छा कलर आने के लिए मैंने यहाँ पर दे देते हैं कश्मीरी मिर्च, इसमें मिर्च नहीं आते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स ये रायता तो पूरी तरह से खाने के लिए रेडी है, लेकिन हम आपको बोलेंगे एक बात, जब आप ये सर्व करेंगे सर्व से पहले इसको फ्रीजर में ज़रूर रखिएगा, ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये खाने से आपका शरीर में बहुत ही आराम मिलेगा और पेट भी भर जाएगा और वजन भी कमेगा। फ्रेंड्स हम तो हफ्ते में एक बार मीट खाते हैं, लेकिन हमारा हफ्ते में उचित है
ये एक बार खाना, ये सब हफ्ता में एक बार खाने से हमारा शरीर ठीक रहता है। हम तो चटनी वगैरह ये सब खाते ही रहते हैं, लेकिन इसको भी डाइट चार्ट में ज़रूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आज ही रायता का रेसिपी? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।